मंदसौर जिले के गांव धमनार में 22 लाख रुपए की लागत से बनने वाली पुलिया का मंत्री जगदीश देवड़ा द्वारा भूमि पूजन किया गया। कार्यक्रम में सबसे पहले वित्त मंत्री द्वारा कन्या पूजन किया गया। इसके बाद मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर पूजा अर्चना की गई। विद्यालय की बालिकाओं ने स्वागत गीत प्रस्तुत किया। ग्राम पंचायत धमनार द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा को ज्ञापन भी सौंपा। इसमें गाँव की मुख्य समस्या पेयजल की है, जिसमें पानी की टंकी और कुएं से गाँव में पेयजल होता है। उसके लिए 24 घंटे लाइट की व्यवस्था था। नवीन पंचायत की बाउंड्री वाल सहित कई मांगों को लेकर ज्ञापन दिया गया, जिसमें मंत्री देवड़ा ने 24 घंटे लाइट की मांग मंच से ही स्वीकार कर ली। इस बीच कार्यक्रम में हाई सेकेंडरी स्कूल के बच्चों द्वारा खेल सामग्री की मांग को लेकर पंचायत रोजगार सहायकों द्वारा भी विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। भाजपा की सरकार में कोई बेघर न रहे, उसके लिए प्रधानमंत्री ने आवास योजना निकाली। देवड़ा ने कहा कि भाजपा सरकार हर समाज, हर धर्म संप्रदाय को साथ लेकर चल रही है, जिसमें हर व्यक्ति को सरकार की योजना का लाभ मिल रहा है। गांधी सागर के पानी को खेतों तक पहुंचाने का काम है, क्योंकि कयामपुर की जो उद्वहन सिंचाई योजना है 1700 करोड़ की, वो पहले स्वीकृत हो चुकी है। अभी एक योजना ये पाइप में है, अभी इसकी स्वीकृति होना है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि सब काम कम्प्लीट है, अगले महीने उसकी प्रशासकीय स्वीकृति उसकी हो जाएगी, कैबिनेट में आएगा। और वो लगभग 1000 करोड़ की योजना है, जिसमें कम से कम 125-150 गांव को चंबल का पानी खेतों तक जाएगा। तो ये बड़ी योजना है, ऐसी पूरे मध्य प्रदेश में अनेक बड़ी बड़ी सिंचाई योजनाएं, आप हमको गर्व है कि सिंचाई का रकबा काफ़ी बढ़ गया है। रासायनिक खाद की प्रदेश में किल्लत हो रही है, बिल्कुल उसको दूर होने से किसान जो है वो लूटमार की स्थिति पे आ गए। नहीं, वो स्थिति बिल्कुल नहीं आएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी कल मंत्रिपरिषद की बैठक थी, उसमें उन्होंने अधिकारियों को भी निर्देशित किया है, तत्काल उस सारी जो भी त्रुटियाँ हुई है, अगर कहीं टेक्निकल त्रुटि है तो उसको भी ठीक करके किसानों को बिल्कुल दिक्कत नहीं आए, ऐसा प्रयास हमारी तरफ से हो गया। आलोट के विधायक ने ताला तोड़ करके खाद लूट लिया। नहीं, मुझे नहीं पता, मेरी जानकारी में नहीं है, संज्ञान में नहीं है, ये जानकारी में आई, हालांकि उनके खिलाफ FIR हुई है। कोई भी क्या लगता है, किसी भी व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है, प्रजातांत्रिक एक तरीका होता है, इस प्रकार से कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए, अपनी बात रखना चाहिए। प्रदेश में बुलडोजर की कार्रवाइयाँ हो रही है, बिल्कुल जो भी गुंडा बदमाशी लुचे लफंगे इस प्रकार के जो बिल्कुल तोड़ने का काम करते हैं और इस प्रकार का करते हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और कार्रवाई हो रही है, और इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल कड़े निर्देश जारी किए। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि एक तरफा कार्रवाई है बीजेपी के नेताओं को छोड़ नहीं, ये गलत कहना उनका, बिल्कुल निराधार। मंदसौर से शाहरुख रजा की रिपोर्ट।